अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह आप अपने घरों में अच्छे से खुश मुर्रम होंगे। आज हम आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ बताने जा रहे हैं आप लोगों से। आज हम बनाने जा रहे हैं गाजर का मुरब्बा, जो कि बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो हमने 1 किलो गाजर लिया है और 1 किलो शक्कर, जितनी गाजर होगी उतनी ही शक्कर होगी। अब इसको हमने इस तरह से टुकड़ों में काट लिया है। देखिए, हम आपको एक काट के बता देते हैं। इसको हमने छीला और उसके बाद में इसको वॉश किया, सुखा लिया, थोड़ी देर रख दिया, उसका पानी निचोड़ गया। अब इसको इतने इतने टुकड़े काट लिए, ये ऐसे और ऐसे ऐसे। अब ये जो मोटा हिस्सा है इसको बीच से दो करके, और बीच का जो इसका ये पीला हिस्सा होता है इसको हमें निकाल देना चाहिए। इसको निकाल देंगे, ये देखिए, ये पूरी 1 किलो हमारी गाजर है और 1 नींबू भी इसमें चाहिए। और इधर हमने पानी रख दिया था, पानी हमारा बॉयल हो रहा है। अब इसमें हम ये गाजर डाल देंगे, संभाल के डालिए कि पानी उछल के ऊपर ना आए। देखिए उबल रहा है, इस पर हम ढक्कन बंद कर देंगे और ये टाइम इसमें लगेगा 15 मिनट कम से कम। बीच में देख ले कि हमारी गाजर हो गई कि नहीं। देखिए 15 मिनट हो गए, अब इसको हम चेक करेंगे और ये गाजर हो गई है। अब इसको हम पानी से छान लेंगे, अलग बर्तन में निकालेंगे इसको। इसको हम निकाल लेंगे, और हमने पहले इसको प्रिक नहीं किया था। वैसे जो है बहुत टाइम टेकिंग होता है, ये हार्ड होती है तो प्रिक करने में परेशानी होती है। अब इसको हम निकालने के बाद में प्रिक करेंगे। अब इसको हम इस फॉर्क से प्रिक करेंगे, ये जल्दी हो जाएगा। ये इस तरह से ये बहुत जल्दी हो जा रहा है। वैसे जब ये कच्चा रहता है तब हम करते तो बहुत हार्ड होता है, उसमें परेशानी होती है। अब इसी तरह हम सब प्रिक कर लेंगे। ये देखिए प्रिक हो गया और हमने इसमें शक्कर डाल दिया। अब इसको मिला के पूरी रात हम रख देंगे। ये देखिए, इसको हम तकरीबन 22 घंटे हो गए हैं। अब इसको हम बनाने जा रहे हैं और इसमें ये इसका जूस निकला और इस तरह से ये शीराब ये बन गया है। इतनी देर रखने के बाद ये ज़्यादा इसका वो लॉन्ग लाइफ होती है, ज़्यादा दिन तक इसको हम रख सकते हैं। फ्लेम ऑन करती है, अब इसको हम पकाएंगे। ये देखिए मुरब्बा बन गया है और ये इसकी जो है थिकनेस जो है, ये देखिए शीरा हमारा गाढ़ा हो गया। अब हम फ्लेम बंद कर देंगे और इसमें एब्जॉर्ब भी हो चुका है गाजर में। अब इसको हम बंद कर देंगे। ये देखिए इतना गाढ़ा हो गया, मगर अभी इसको हम थोड़ा और पकाएंगे और इसको गाढ़ा होने देंगे, तब इसको हम फिर बंद करेंगे। और यहाँ पर हम गाजर के मुरब्बे के थोड़े से फायदे आप लोगों को बता दे रहे हैं कि गाजर का मुरब्बा बहुत ही फायदेमंद होता है। दिल दिमाग के लिए, जो कमज़ोर लोग होते हैं वो खाएं, उनकी ताकत के लिए बहुत अच्छा होता है ये। और इसमें बहुत सी विटामिन ए पाया जाता है, इसमें कॉपर, पोटेशियम, जिंक, आयरन, इसमें सब कुछ होता है। इसका हम लोगों को बहुत अच्छे से इसको इस्तेमाल करना चाहिए, हड्डियों को मजबूत करता है ये। गाजर बहुत फ़ायदे की चीज़ होती है। देखिए ये बन गया है, अब इसकी हम फ्लेम ऑफ करने जा रहे हैं और गाजर भी
शीरा बहुत अच्छी तरह से एब्जॉर्ब हो गया है। अब इसको उतार कर रखेंगे और ठंडा होने के बाद इसमें नींबू डालेंगे। और एक ज़रूरी बात आप लोगों से ये बताना चाह रहे हैं कि अभी इसको जब हम रखेंगे तो एक दो दिन के बाद फिर थोड़ा जूसी और हो जाएगा, ज़्यादा लगे कि इसमें पतला शीरा हो गया तो उसको निकाल के फिर पका लीजिए। और अब ठंडक में जैसे गाढ़ा हो जाता है, सूख जाता है, इस पर क्रिस्टल ऐसे ये इस पर आ जाता है, तो उसमें भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और उसको भी निकाल करके आप किसी बर्तन में इसको रख करके और उसमें थोड़ा सा पानी डालिए और पका लीजिए, तो ख़राब नहीं होता वो, तो अच्छा हो जाएगा। अब इसको हम ठंडा होने देंगे, इसके बाद में हम इस नींबू डालेंगे। नींबू की जगह पर साइट्रिक एसिड भी डाल सकते हैं, मगर हम इसमें नींबू डालेंगे। अब ये ठंडा हो गया, इसमें एक नींबू का रस निकाला, अब इसको इसमें डाल देंगे और इसको अच्छी तरह मिला देंगे। बहुत ही अच्छा, बहुत ही जूसी तैयार हुआ है। अच्छा, शक्कर हमने 1 किलो बताई थी, जितनी भी गाजर लीजिए शक्कर उतनी ही डालिए, जिसमें जब शक्कर उतनी होगी तो ये ज़्यादा दिन तक चलेगा और शक्कर कम होगी तो ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगा। अब हमारा मुरब्बा बहुत ही अच्छा जूसी तैयार हो गया। अब देखिए इसको हम अभी डिश आउट करके दिखाते हैं आप लोगों को। अब इसमें हम थोड़ा सा मीठा इत्र डालेंगे खुशबू के लिए। बहुत से लोग इसमें इलायची पाउडर डालते हैं, हमने यहाँ मीठा इत्र डाला है। मीठी चीज़ों में हमेशा मीठा इत्र डालना चाहिए। ये देखिए हमारा मुरब्बा बहुत ही अच्छा, बहुत जूसी तैयार हो गया। आप लोग भी अपने घर में ट्राई करिए, लाइक और शेयर करिए। नेक्स्ट वीडियो में कोई अच्छी रेसिपी के साथ हम आप लोगों से फिर इंशाल्लाह मिलेंगे। और हमारे चैनल को वन टाइम सब्सक्राइब करिए, लाइक और शेयर करिए। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।